नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको इस वीडियो में बनारस में होने वाले G20 महासम्मेलन की तैयारियों को भी दिखाऊंगा। और वीडियो की शुरुआत करते हैं आपका पांडेपुर की तरफ से और दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसी तैयारी चल रही है। फिलहाल आप ये देख रहे हैं आप देखेंगे तो डिवाइडर पर, बीच में डिवाइडर पर जगह जगह पोल्स में आपको G20 लिखा हुआ दिखाई देगा। ये आप देख रहे हैं, ये G20 ये सभी डिवाइडर पर आपको अलग से पोल लगाया हुआ है बीच में, और इसमें लिखा हुआ है G20 गोल गोल। बीच में गमला भी लगाया जाएगा जैसा कि डिवाइडर में आप देख रहे हैं। चलिए अब ले चलते हैं कचहरी साइड और उस तरफ का दृश्य आपको दिखाएं कचहरी साइड का, तो वहां पर कैसी तैयारी चल रही है। चलिए इस तरफ कचहरी साइड आपको दिखाया सर्किट हाउस कचहरी, इस तरफ भी जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ काफी आकर्षक दीवारों को पुराने राजा महाराजा महाराणा प्रताप से लेकर अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी राजाओं के जो है आपको तस्वीर दिखाई देगी दीवारों पर। यह सर्किट हाउस वाला इलाका है।
आपको यहाँ से कचहरी का दृश्य दिखाएं। इधर से कचहरी की शुरुआत होती है, कचहरी चौराहा है ये वाराणसी का, और यहाँ भी आप देखेंगे तो दोनों तरफ दीवारों पर काफी आकर्षक पेंटिंग के माध्यम से इसको सजाया जा रहा है। अंबेडकर चौक है, और ये वरुणा पुल आपको कैंटोनमेंट की तरफ का दृश्य दिखाएंगे। उस तरफ करियप्पा मार्ग देखें तो बिल्डिंग को पूरा लाइट ब्लू करके एक ही जैसा रंग में रंग दिया गया है। और यहां देखेंगे G20 सम्मेलन का काफी बड़ा बोर्ड लगा हुआ है छावनी परिषद में। यह आपका छावनी परिषद वाला इलाका है, और आगे चले जाएगा ये नदेसर के लिए। यहां भी देखेंगे तो रोड बिल्कुल एकदम चिकनी रोड है यहाँ की। और एक तरफ है ताज गंगे होटल, इधर आप देखेंगे तो यहाँ भी सजावट का काम यहाँ पर चालू है। डिवाइडर पर बड़े बड़े गमले लगाए गए हैं। जैसे जैसे नजदीक आते जाएगा G20 सम्मेलन का कार्यक्रम की तारीख, वैसे वैसे यहाँ बनारस में काफी कुछ बदल जाएगा। बदलाव तो पहले से भी है, लेकिन उसमें जो गति है वो काफी तेज हो जाएगी। ये आप देखा पांडेपुर राजघाट की तरफ जाने वाला ये सड़क मार्ग है। तरफ सिटी स्टेशन, देख रहे हैं सिटी स्टेशन के पास पांडेपुर राजघाट को जोड़ने वाला ये मार्ग है।
आज 29 मार्च ये सभी दृश्य आप देख रहे हैं 29 मार्च करीब 7:30 बज रहे हैं और बनारस अब धीरे धीरे व्यस्त होता चला जाएगा। देख रहे हैं बनारस शहर के नजारे। आगे पानी पांडेपुर पानी टंकी देखेंगे तो लाइट्स लगाए जा रहे हैं। जितने भी तार आपका यहां पर डिवाइडर के ऊपर लटके हुए हैं उन सभी को अब हटाया जा रहा है। जहां डिवाइडर नहीं बना हुआ है वहां पर डिवाइडर बनाया जा रहा है।
तरफ आप देखेंगे तो गुलाबी रंग में पूरा ये आपका मंडली जिला चिकित्सालय है जो पूरा गुलाबी रंग में रंगा गया है। चलिए आपको एक बार दिखाते हैं मंडली चिकित्सालय। देख रहे हैं जितने भी तार हैं ऊपर लटक रहे हैं उन सभी को यहाँ धीरे धीरे निकाला जा रहा है क्योंकि काफी तार लोगों ने बांध दिया था बीच बीच में पोल पर। और ये आप देख रहे हैं जिला चिकित्सालय कबीर चौरा, वहां का आपको ये दृश्य है। इधर भी देखेंगे तो यहाँ भी लाइट व्यवस्था ठीक की जा रही है, यानी कि केबल का तार और अन्य तार यहाँ इतना ज्यादा टांग दिया गया था कि सिर्फ पोल पर आपको सिर्फ तार ही नजर आएगा, लेकिन इस तरफ देखिए तार पूरा निकाल देने के बाद काफी अच्छा दृश्य यहाँ पर दिख रहा है पोल्स का। इस रोड का भी आपको दृश्य दिखाएं, लहुरा बीर ये जगह है, लहुरा बीर जगह आपको काफी जाम मिलता है। अभी कुछ ही देर बाद आपको यहां पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। यह है आपका बेनिया बाग वाराणसी। बाएं तरफ बेनिया बाग पार्क है और अंडरग्राउंड पार्किंग काफी अच्छा दोनों है। सामने देख रहे हैं गिरजाघर चौराहे का दृश्य है।
काफ़ी व्यस्त चौराहा है और बाएं तरफ चला जाएगा गोदोलिया चौराहे की तरफ। ये आप देख रहे हैं गिरजाघर चौराहे का दृश्य।